आज हम 21st सेंचुरी में जहां वेस्ट साइड की कंट्रीज के कंपैरिजन में हम काफी सारे सोशल नॉर्म्स और सोसाइटल बाउंड्रीज ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं ऐसे बहुत सारे टैबूज हैं जो इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स, सोशल मीडिया मूवमेंट्स और सेलिब्रिटीज के योगदान के कारण हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने लगे हैं। हम उन सेलिब्रिटीज के बारे में जानेंगे जो एज सच जेंडर रोल बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करते और अपने फैंस के लिए रोल मॉडल हैं। आज हम बात करेंगे टॉप लेस्बियंस इन बॉलीवुड, लेकिन उससे पहले अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला नाम आता है हमेशा सुर्खियों में रहने वाली पूनम पांडे, जो रिसेंटली अपने हस्बैंड के साथ सेक्स टेप वीडियो से दोबारा वायरल हो गई। उनके काफी सारे लेस्बियंस रिलेशनशिप भी रह चुके हैं। पूनम की काफी बार फोटोज भी वायरल हो चुकी हैं जहां वो एक हॉट एक्ट्रेस के साथ किस कर रही हैं। नंबर दो पर आती हैं मिंग ब्रार, जो कि काफी समय से बॉलीवुड में आइटम नंबर करने के लिए जानी जाती हैं। मिंग जर्मन इंडियन मॉडल है और पॉपुलर इंडियन टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। मिंक ने एक बार एडमिट किया था कि वो एक लेस्बियन है और उनको स्पॉट किया जा चुका है अपनी साथी को पूल में किस करते हुए, पर कुछ समय बाद उनको किसी इंटरव्यू के दौरान दोबारा पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं कि वो एक लेस्बियन है, और ये भी कहा कि वो होमोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल भी नहीं है। नंबर तीन पर आती है पाउली दाम, हेट स्टोरी से पॉपुलैरिटी गेन करने वाली एक्ट्रेस पाउली दाम, जो कि बंगाली टेलीविजन से बॉलीवुड सिनेमा में काफी डिमांड में है। हॉट एक्ट्रेस पाउली दाम ने एक बिजनेसमैन के साथ शादी की, पर कुछ साल पहले ही पाउली ने एक्सेप्ट किया है कि वो एक लेस्बियन रिलेशनशिप में है, जहां उन्होंने बताया था कि एक फिल्म के दौरान उन्हें अपनी को स्टार से प्यार हो गया। एक इंटरव्यू में पाउली ने कहा था कि उनको किसी और के लिए अपने पार्टनर के साथ फीलिंग्स को छुपाने की जरूरत नहीं है। नंबर चार पर आती है बानी जे, फोर मोर शॉट प्लीज एक्ट्रेस बानी जे, जो कि एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी है। कुछ समय पहले काफी सुर्खियों में थी जहां बानी ने अपने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक दूसरे को किस कर रहे थे और पीछे सनसेट हो रहा था। बानी ने इस पर कैप्शन में लिखा था यू आर माई सनशाइन, मतलब साफ है दैट बानी इज इन रिलेशनशिप विद हर, और वो ओपन है अबाउट दिस आइडिया ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। नंबर पाँच पर आती है सना खान और आशका गोराडिया, बिग बॉस सीजन 6 के दौरान 2012 में जहां सना खान और आशका गोराडिया को स्पॉट किया गया था एक दूसरे को किस और हक करते हुए। आशका ने बताया कि ये सिर्फ गलत तरीके से एडिटिंग की गई है ताकि हम लेस्बियन नजर आए, टू गेन व्यूअर्स अटेंशन। आपको बता दें कि आशका ने ये चीज तब क्लेरिफाई की थी जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंगेज होने जा रही थी। सना खान से जितनी भी बार इस बारे में पूछा गया है उन्होंने इस बात पर हमेशा चुप्पी साधी या नो कमेंट्स कहकर टाल दिया। अब क्या सच और क्या झूठ कोई नहीं जानता। नंबर छह पर आती है रेखा जी, लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा जी, जिनको हमेशा ड्रैग किया गया है बहुत सारे रूमर्ड रिलेशनशिप में विद अमिताभ बच्चन और बाकी कई लीडिंग एक्टर्स के साथ, बट इस बार इट्स अ सरप्राइज क्योंकि इस बार उनका नाम सामने आया है लेस्बियन रिलेशनशिप में। जी हाँ, आपने सही सुना, लेस्बियन रिलेशनशिप उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ, जो कि खुद भी अनमैरिड है और कई सालों से उनके साथ ही रह रही है। नंबर सात पर आती है एकता कपूर, जो कि 20+ ईयर्स से इस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही है। उनका भी नाम आता है इस लिस्ट में एज वो रूमर्ड लेस्बियन है। एकता कपूर को स्पॉट किया गया है अनीता हसनंदानी के साथ रिलेशनशिप में, और वहीं मोना सिंह सहित बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ उनका नाम जुड़ा है, लेकिन कोई भी खुलकर इस बारे में बताना नहीं चाहता। वेल, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको और कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस लेस्बियन रिलेशनशिप में लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।